पुलिस एमपी पुलिस द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए के सिक्के चुराने का मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। सिक्का कांड में फरार चल रहे आरोपी टीआई विजय देवड़ा सहित 4 पुलिसकर्मियों को वारदात के 36 दिन बाद मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी भले हो गई हो लेकिन सिक्के अभी भी सिर की पहुंच से दूर हैं। दरअसल सोनवा थाने के टीआई विजय देवड़ा, आरक्षक सुरेश चौहान, आरक्षक राकेश डावर और आरक्षक विजेंद्र सिंह पर बैजड़ा गांव के रहने वाले ग्रामीणों ने सोने के 240 सिक्के लूटने के आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले के सामने आने के बाद एसपी हंसराज सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे और जांच में टीआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को दोषी पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया था। आज इन सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिट प्रमुख एसआर सेंगर ने बताया कि 4 आरोपी पुलिसकर्मी अलीराजपुर न्यायालय के बाहर जमानत की प्रक्रिया के लिए आवेदन के लिए छुप छुपा कर आए थे लेकिन पीछे लगी सिट की टीम को इसकी भनक लग गई और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण उपरांत कोर्ट में शनिवार शाम पेश किया गया जहां से पुलिस को 31 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल बीते 19 जुलाई को पुलिस पर ही चोरी करने का आरोप लगा था जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस वालों पर आरोप है कि महिला को डरा धमका कर सोने के सिक्के छीने हैं। जिन सिक्कों को पुलिसकर्मियों ने महिला से छीना था उनकी मौजूदा कीमत 7 करोड़ रुपयों के आसपास थी। महिला की शिकायत के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आला अधिकारियों को बताया था कि पुलिस वाले सादे कपड़ों में आए थे। इसके बाद पुलिस वालों ने घर में कई जगह खुदाई की और सिक्के लेकर चले गए जिसका न तो काय रिकॉर्ड दर्ज किया गया और न किसी को इस बारे में जानकारी दी गई।